चैटिंग, दोस्ती और फिर प्यार। बस आज के सोशल मीडिया के जमाने में यही एक सबसे बड़ा जरिया होता है खुद को ठगाने का। सोशल मीडिया पर, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर, किसी के भी झांसे में आकर अक्सर लोग विश्वास कर ठगों का शिकार बन जाते हैं। और ऐसा ही एक मामला आज मुंबई के अंधेरी से सामने आया। मुंबई में खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर मैट्रिमोनियल साइट पर लड़कियों से ठगी करने वाले एक 26 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के अंधेरी पूर्व की साकराका पुलिस ने ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो अपने आप को आईपीएस अधिकारी बताकर एक युवती से मुंबई एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करके फरार हो गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी अभिजीत परमेश्वर गाड़वे ने शादी.com नामक सोशल साइट पर अपनी नकली प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। गिरफ्तार आरोपी अभिजीत गाड़वे को बुधवार को घाटकोपर स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि गाड़वे ने अपने वैवाहिक प्रोफाइल में आईपीएस लोगों की तस्वीर भी पोस्ट की थी। उसने महिलाओं को धोखा देने के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ऐसी ही तस्वीरें पोस्ट की। साकिनाका पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि नवंबर में उसने एक वैवाहिक वेबसाइट पर 26 साल की महिला से संपर्क किया और उसे कहा कि उसके पिता एक पूर्व सेना के आदमी है जबकि वो सतारा में एक स्ट्रॉबेरी फार्म चलाते हैं। हमने साकिनाका पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल करने के बाद, पूरा तपास करने के बाद, एक आरोपी का नाम है अभिजीत परमेश्वर गाड़वे, उम्र 26 ईयर है, उनको हम अरेस्ट किए थे। ये आदमी के पास एक, उसका घर के पास एक छोटी गारमेंट का दुकान है। उसने शादी.com वेबसाइट में खुद का प्रोफाइल डाले थे। प्रोफाइल के अंदर उसको, वो खुद आईपीएस ऑफिसर है और उसका पापा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, ऐसा उसने उल्लेख किए थे। और उल्लेख करने के बाद उसका चीटिंग करने के उद्देश्य से ऐसा एक प्रोफाइल बनाए थे। उसको अरेस्ट करने के बाद उसका घर का हमने सर्च भी किए थे। घर का सर्च के अंदर वो एक आईडी कार्ड मिली, फेक आईडी कार्ड, उसमें लिखा है कि वो एसीपी है, क्राइम ब्रांच, ऐसा उसने लिखी है उस आईडी कार्ड में। उसको अरेस्ट किया और आगे का तपास चालू है। प्रिया और अभिजीत ने महीनों तक चैट किया, जिसके बाद गाड़वे ने दावा किया कि वो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड कंपनी में एक प्रबंधन अधिकारी की नौकरी में उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद उसने 73,900 रुपए प्रिया से लिए, जिसके बाद उसने उसे एक पहचान पत्र और एक डुप्लीकेट नियुक्ति पत्र दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जब महिला को पता चला कि वो पहचान पत्र नकली है तो उसने पुलिस को मामले की सूचना दी। प्रिया ने बताया कि वो और भी महिलाओं से मुलाकात कर चुकी है जिन्हें आरोपियों ने ठगा है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को घाटकोपर स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया। उसे कोर्ट में पेश कर 15 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मेट्रो मुंबई के लिए धनुषधारी यादव की रिपोर्ट। खबरों का सहनशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।